दोस्तों जय माता दी। सृष्टि का केंद्र माना जाने वाला कामाख्या मंदिर, जो कि प्रमुख शक्तिपीठ में से एक है, यह नीलांचल पर्वत पर कामाख्या नामक स्थान से 10 किलोमीटर दूर असम राज्य में स्थित शक्तिपीठ है, जिन्हें आदि और अंत की देवी और मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी भी कहा जाता है। यह मंदिर पूरे संसार के तांत्रिकों, अघोरी और अलग अलग परम्परा के लोगों के लिए साधना का मुख्य केंद्र माना जाता है। यह मान्यता है कि जो 3 बार माता के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सभी सांसारिक दुख से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ की यात्रा का आरंभ सौभाग्य कुंड में स्नान करके और श्री गजानन महाराज का अनुमति लेकर किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सती दक्ष की पुत्री थी, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान किए जाने के कारण माता सती ने दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ के हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया था। तब भगवान शिव सती का मृत शरीर लेकर अपने विकराल रूप में तांडव करने लगे थे। भगवान शिव के विकराल रूप को देखकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिसे माता सती के अंग के कई टुकड़े हुए और अनेकों जगह पर गिरे, जिन्हें शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती का गर्भ और योनि यहाँ आकर गिरा था, जिससे कि इस शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। बाद में सती का पुनर्जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था। दोस्तों, कामाख्या माता मंदिर बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है, तो चलिए देखते हैं यहाँ के कुछ रहस्य। पहला, इस मंदिर में हर महीने 3 दिन मंदिर बंद रहता है। यह एक प्रचलित धारणा है कि देवी कामाख्या मासिक धर्मचक्र के माध्यम से 3 दिनों के लिए गुजरती हैं। यहाँ माता का कोई मूर्ति उपलब्ध नहीं है। यहाँ योनि कुंड की पूजा की जाती है और यहाँ पर दिया जाने वाला प्रसाद संसार के सभी मंदिरों से अलग है। यहाँ प्रसाद के रूप में लाल गीला कपड़ा दिया जाता है। दूसरा रहस्य, इस मंदिर का मुख्य हिस्सा मंदिर से लगभग 20 फीट नीचे गुफा के अंदर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि माता की योनि और गर्भ यही है। तीसरा रहस्य प्रमुख दरवाजे का है। यहाँ 3 प्रमुख दरवाजे हैं। गेट नंबर 1 को सुख समृद्धि का द्वार माना जाता है और गेट नंबर 2 को मोक्ष का द्वार माना जाता है और तीसरे दरवाजे को अन्नपूर्णा दरवाजे के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में श्रद्धालुओं के लिए एक नए दरवाजे का निर्माण हुआ है और ये तीनों दरवाजे वर्तमान में बंद रखे जाते हैं। यहाँ के मुख्य मंदिर परिसर में अनेकों साधु तांत्रिक अनेक प्रकार की योग साधना में लीन रहते हैं। चौथा रहस्य, अम्बुवाची पर्व विश्व के सभी तांत्रिकों, मंदिरों एवं सिद्ध पुरुषों के लिए वर्ष में एक बार पड़ने वाले अम्बुवाची योग पर्व वस्तुतः एक वरदान है। यह अम्बुवाची पर्व रज्जुस्वला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार तथा कलयुग में प्रत्येक वर्ष जून माह आषाढ़ में तिथि के अनुसार मनाया जाता है। इस दौरान असम में कोई भी धार्मिक काम नहीं होता है और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल पाया जाता है। देश और दुनिया के अलग अलग भागों से हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना माँ के समक्ष मांगते हैं। जय माता दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको भविष्य में मिलते रहें। चलिए अब देखते हैं यहाँ के कुछ और पर्यटन स्थल। गुवाहाटी चिड़ियाघर। मंदिर से 13 किलोमीटर दूर स्थित यह चिड़ियाघर भारत के प्रमुख चिड़ियाघरों में से एक है, जिसे हिंगोरी वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस चिड़ियाघर में जाना पसंद करते हैं। दूसरा है असम स्टेट म्यूजियम। मंदिर से 9 किलोमीटर दूर स्थित यह म्यूजियम प्राचीन इतिहास से जुड़ी बातें, समृद्ध संस्कृति, इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, असम में अनेकों ऐसे जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं। अगर आप पूरे असम के पर्यटन स्थल के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। 10 कमेंट होते ही मैं पूरे असम के पर्यटन स्थलों का वीडियो बनाऊंगा। चलिए अब जानते हैं कामाख्या मंदिर पहुँचा कैसे जाए। कामाख्या मंदिर असम राज्य की राजधानी दिसपुर से मात्र 13 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ एक एयरपोर्ट है जिसका नाम गोपीनाथ बारडोलाई
एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी महज 20 किलोमीटर है। अगर आप रेलवे माध्यम से जाना चाहते हैं तो कामाख्या शहर के लिए अपना एक जंक्शन है जिसे कामाख्या जंक्शन के नाम से जाना जाता है। हालांकि देश के सभी कोने से कनेक्टिविटी के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ही बेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।